सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन रहेगा थ्री वे स्टॉप क्लॉक क्या है, और सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। थ्री वे स्टॉप क्लॉक इसका मतलब होता है कि तीन रास्ते। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ इसमें तीन रास्ते हैं, एक दो और ये तीन, तीन रास्ते हैं। इस वजह से हम इसे थ्री वे स्टॉप क्लॉक बोलते हैं। सो गाइस, ये वाला जो पहला रास्ता आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम आईवी कैनुला लगाते हैं, और बाकी के जो दो रास्ते हैं यहाँ से हम पेशेंट को फ्लूइड या फिर कुछ भी देना रहा, इंजेक्शन ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना रहा, तो हम ये दो रास्ते से देते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था थ्री वे स्टॉप क्लॉक, इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये जो ब्लू कलर में देख पा रहे हो ऊपर, इसे हम कहते हैं स्टॉप क्लॉक। अभी ये जिस भी डायरेक्शन में रहेगा उसका जो वे है, उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा। अभी ये जो इसका जो डायरेक्शन है, अभी ये जो यहाँ से हम आईवी लगाते हैं, ठीक है, तो आईवी का जो डायरेक्शन है अभी इसने ब्लॉक करके रखा है। अभी आप यहाँ से अगर आप कोई भी फ्लूइड देंगे या फिर आप इस रास्ते से देंगे ना, तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से ये बीच में से ब्लॉक हो चुका है। सो गाइस, इसका जो सेकंड रास्ता होता है ये वाला, इसको एक्चुअली में बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। तो अभी ये जो स्टॉप क्लॉक है ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि यहाँ से जो हम दे सकते हैं तो वो आईवी कैनुला तक का, मतलब कि पेशेंट के वेंस में चला जाएगा जो भी हमको यहाँ से देना रहा, तो ये हम सीधा सीधा उसको दे सकते हैं। अभी यहाँ का ये जो है, अभी ये बंद है ये वाला डायरेक्शन, तो यहाँ से अगर हम देंगे तो पेशेंट के आईवी में चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका जो डायरेक्शन है अभी ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि इसका रास्ता बंद हो चुका है। अभी स्टार्ट कौन सा है, चालू कौन सा है, अभी यहाँ से अगर हम देंगे तो ये यहाँ से आईवी के थ्रू जा सकता है पेशेंट के वेंस में, तो इसका मतलब कि ये जो रास्ता है ये अभी चालू है।